जनसेवा अभियान का लामता पंचायत भवन में लगा शिविर। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर का आयोजन पंचायत भवन लामता में किया गया। इस शिविर का शुभारंभ वृक्षारोपण करके किया गया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य रूप से जनपद पंचायत बालाघाट के जनपद उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर बिसेन, जनपद वन सभापति ज्ञान सिंह सयाम, हुसाल मलकोचर, सरपंच लामता, सभी गणमान्य ग्रामवासी मौजूदगी रही। इसके बाद पंचायत भवन में शिविर का शुभारंभ करके सभी मौजूद हितग्राहियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, जिससे हितग्राहियों को सरकार की योजनाओं लेने में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं उन्होंने बताया कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, मुख्यमंत्री आवास के संबंध में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए आवेदन पंचायत में जमा कर उसका समाधान किया जाना है। इस विषय में जनपद उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर बिसेन ने ग्रामीण हितग्राहियों को संबोधित कर समझाया गया। अच्छा, आज जो हितग्राही मूलक शिविर लगाया गया था, इसमें कौन कौन सी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा? सभी हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से जनसेवा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की जनताओं को जितने भी उनके हितग्राही उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिले, सभी योजनाओं का उनको लाभ मिले, इसलिए शिविर लगा के जो भी इससे वंचित है उनको यहाँ फार्म भराया जाएगा और वंचित है उनको लाभ दिया जाएगा। मैं डॉक्टर शंकरलाल बिसेन, जनपद उपाध्यक्ष बालाघाट। आज जो ग्राम पंचायत लामता में जो शिविर लगाया था गया था, किस संबंध में लगाया गया था? यह मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत जो है हमारे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत समस्त मध्य प्रदेश की जितनी पंचायतें आती है उसके अंतर्गत जो विधवा पेंशन से वंचित लोग, राशन कार्ड से वंचित लोग, जो हितग्राही मूलक की जो भी योजनाएं शासन के द्वारा चलाई जाती है उससे वंचित लोग जो है उनके लिए वह समस्त योजनाओं का फायदा ले सके, इसके तहत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ जनसेवा अभियान के तहत यह कार्यक्रम चलाया। इस शिविर में कौन कौन सी योजनाओं का दिया गया है? समस्त हितग्राही मूलक जितनी भी आती है, राशन कार्ड लेकर, श्रमिक कार्ड, आयुष्मान कार्ड लेकर के सभी समस्त योजनाएं। लामता से शत्रुघ्न ठाकरे।